नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, सिर्फ उसे आप ध्यान से देखें। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि लिखिए, अगर हम लिखें x प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन कौन सा बोलेंगे? क्योंकि इसका डिग्री वन है, यहां पर जो वेरिएबल है हम कहेंगे वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल एक्स है और ये जो देख रहे हैं टू फाइव सेवन, ये सारा कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स यहां पर टू है और फाइव है। अब इसका डिग्री वन है, डिग्री इज इक्वल टू वन। अगर इस किसी भी इक्वेशन का डिग्री वन हो तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर वेरिएबल एक ही है, एक्स ही है, वेरिएबल सिर्फ एक्स है, दूसरा वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे, इन वन वेरिएबल। यहां पर इसको इन वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं, एक बार मैं फिर दोहराता हूं। वन इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि यहां पर वेरिएबल सिर्फ एक्स है, यहां पर वेरिएबल इसका सिर्फ एक्स है, एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक ही वेरिएबल है, इसलिए वन वेरिएबल बोलते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने कहा जाएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। तो ये जो x इज इक्वल टू थ्री निकला, ये थ्री क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट, रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू थ्री, इसको हम रूट भी बोल सकते हैं, आगे जाके इसको हम जीरो भी बोलेंगे, इसका x का वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब अगर इसको आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो ये एक नंबर लाइन है, यहां जीरो है, वन है, टू है, थ्री है और इधर माइनस वन है, माइनस टू है। तो हमको x इक्वल टू थ्री वैल्यू आया है, इसलिए ये यहां पर इसका नंबर लाइन पर ये हम डिनोट कर दिए। यहां तक आप लोगों ने अच्छी तरह, लेकिन अब हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल का मतलब है कि जैसे इस इक्वेशन में x है सिर्फ, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें x और y दो वेरिएबल रहेगा। तो जब किसी इक्वेशन में दो तरह का वेरिएबल हो, x रहे, y रहे, p रहे, q रहे, m रहे, n रहे, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जितना भी इक्वेशन है वो सारा इक्वेशन का जो सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में सिर्फ x है दिया हुआ और 2 और 5 है, 2 5 कांस्टेंट है, लेकिन इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं x है और ये y है। तो x और y दो वेरिएबल इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, टू वेरिएबल्स। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि इसको लीनियर हम क्यों बोलेंगे, क्वेश्चन जाइए, इसको लीनियर हम क्यों बोलेंगे, लीनियर इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पर x का पावर मैक्सिमम वन है, y का पावर मैक्सिमम वन है, यानी इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वन है, इसलिए हम इसको लीनियर का नाम दिए। और टू
तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें x और y दोनों वेरिएबल है। क्लियर? ठीक। अब एक छोटा सा टॉपिक बतलाते हैं हम आपको। मान लेते हैं कि एग्जांपल हमको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, ये किस तरह का इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? क्योंकि यहां पर x का पावर 1, y का पावर 1, यानी कि दो वेरिएबल है, तो इसलिए टू वेरिएबल बोलेंगे, और पावर दोनों का 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलेंगे। उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट में लिखो, एक बार फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज था ये मेरा लीनियर इक्वेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आज इतना सा है। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जरा फैमिली बढ़ाओ, फैमिली बढ़ाओ, और हमारे साथ हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करो। पूरा वीडियो देखो, तभी तुमको समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक जब तुम पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।